बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा कि आंकड़े कैसे हम संग्रहित करते हैं, फिर उसका हम कैसे व्यवस्थीकरण करते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे। प्रस्तुत करने से पहले हमने वर्गीकरण भी देखा था, जिसमें कि वर्गीकरण करके हम आंकड़ों को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण क्या है? सारणियन का अर्थ है एवं परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे सांख्यिकी वर्गीकरण करने के पश्चात, हमने फिर उसमें देखा था कि वर्गीकरण क्या है, तो उसके पश्चात हम सारणियों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं उसके बाद हम सारणी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि कॉर्नर के अनुसार, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। मतलब हमने पिछले उसमें देखा था कि हमने व्यवस्थीकरण वर्गीकरण करके उसको किस तरह से सांख्यिकी को तथ्यों को क्रमबद्ध तरह से सुव्यवस्थित हमने प्रस्तुत करने के तरीके देखे थे। फिर है सारणियन के उद्देश्य। समंगों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, आंकड़ों को संक्षिप्त ढंग से प्रकट करना और समस्या को अधिक सरल और स्पष्ट तुलनीय बनाना। मतलब इससे ये है कि समंकों को हम यदि व्यवस्थित प्रस्तुत करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे, और इतने छोटे हों कि हमें वो सारी चीज़ें भी इसमें समझ में आ जाए। उसके साथ साथ सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हम तुलनात्मक ढंग से भी उसको आसानी से समझ सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हम देखेंगे सारणियन का महत्व। सारणियन का महत्व क्या है? सारणियन के जो तथ्य हैं वह मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। फिर सारणियन के द्वारा कम स्थान में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। स्थान व समय दोनों की उससे बचत हो जाती है, क्योंकि वह पूरा हमें एक टेबल में या एक सारणी के रूप में सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। फिर सारणियों की जो है प्रविष्टि, जो तथ्यों के बिंदु लेखा या चित्रों के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग ग्राफ में 10th में देखे होंगे कि ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम चित्र बनाते हैं, तो उस तरह से हम ग्राफ के माध्यम से या बिंदु रेखा के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर जो उसकी प्रविष्टि रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भी हम के वो संदर्भ सहायक हो सकते हैं। फिर सारणियों और तथ्यों को जो हम इकट्ठे करेंगे, तो उनको हम तुलनात्मक ढंग से भी उसको समझ सकते हैं। फिर वर्गीकरण तथा सारणियन में अंतर। वर्गीकरण क्या है और सारणियन क्या है? वर्गीकरण तथा सारणियन को क्रम में अंतर होता है। जैसे कि सर्वप्रथम आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, तत्पश्चात विभिन्न सारणियों में हम प्रस्तुत करते हैं। जो हमने आंकड़े एकत्रित किए, आंकड़े हम इकट्ठे एकत्रित करते हैं, उसके बाद फिर समय, काल या लिंग के आधार पर या काल के आधार पर वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करके सारणियन कर देते हैं। फिर वर्गीकरण में तथ्यों के समान और असमान गुणों को के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जबकि सारणियन जो है वर्गीकरण और तथ्यों के खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। फिर वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की रीति है, और सारणियन जो है समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है। मतलब उसमें हम समंकों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। इसमें अब सारणियन में प्रयुक्त वर्गीकरण के चार प्रकार हैं। गुणात्मक, गुणात्मक हमने देखा था। गुणात्मक में पिछले उसमें आपने देखा होगा कि हम जब जनगणना का देखे थे, तो उसमें गुण के आधार पर यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें गुण क्या हो सकता है? यदि हमने जनसंख्या लिया है तो इसमें हम महिला और पुरुष, फिर इसमें भी हम उसको अलग कर सकते हैं, इसमें विवाहित या अविवाहित, इस तरह से इसमें भी वही दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुण के आधार पर हमने तो अभी जनगणना लिया है, लेकिन इसके अंतर्गत और भी दूसरी चीज़ें भी हम गुण के आधार पर अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मात्रात्मक। मात्रात्मक के आधार पर जैसे कि हम कौन सी मात्रा, जैसे कि अनाज लेंगे, अनाज जो है किलो के आधार पर होगा, और पानी लेंगे तो लीटर, तेल लेंगे तो लीटर, इस तरह से मात्रा के आधार पर होगा। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं वह चीज़ होगा। फिर ये कालिक और स्थानिक। कालिक में जो है, जो काल या समय जो होता है, इसके अंतर्गत क्या होगा, काल या समय, समय जो होता है वह, यह सब चीज़ें जो है जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि काल के अंतर्गत समय हो गया, स्थान, इसमें क्षेत्रीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय, स्थानीय, इस तरह से हम स्थानीय आंकड़े, क्षेत्रीय आंकड़े, नगरीय आंकड़े, इस तरह से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पिछले उसमें जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें ये सारी चीज़ें हमने एक बार देखी थी, ये आपके लिए रिपीट हो रहा है। फिर गुणात्मक वर्गीकरण, जो चीज़ हमने अभी आपको बताया, जैसे कि सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, भौतिक स्थिति भी हो सकती है, राष्ट्रीयता भी हो सकती है, इस तरह से हम गुणात्मक वर्गीकरण इसको कहते हैं।
इसमें लिंग एवं स्थान के आधार पर भी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिंग एवं स्थान के अनुसार बिहार के साक्षरता प्रतिशत, यहाँ पर पुरुष जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में इतने हैं, शहरी क्षेत्र में इतने हैं, टोटल उनकी संख्या जो है इस तरह से हो गई। उसी तरह से स्त्री का होगा, उस तरह पुरुष का होगा। जब हम यहाँ देखेंगे तो ये जब हम ऐसे टोटल करेंगे, ऐसे टोटल करेंगे तो वह एक सा हो जाएगा। मात्रात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण जो विशिष्टता के आधार पर कहते हैं, जैसे कि हमने आयु ले लिया, कद ले लिया, उत्पादन ले लिया, आय ले लिया, इस तरह से हम ये मात्रा है कि उनकी आय कितनी है और कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसको भी हम उसके लिए वर्ग सीमाओं के अंतर्गत रख के ही हम उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं या उसको व्याख्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ 20 से 30 उत्तरदाताओं की संख्या कितनी है, 3 और प्रतिशत ये निकल आया। इस तरह से हम आंकड़े के आधार पर इसको भी समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण जैसे हमने काल या समय के आधार पर बताया, वही चीज़ें ये देखिए कि वर्गीकरण जो वर्गीकरण का आधार जो समय होता है, आंकड़ों को समय अनुसार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे घंटों में हो सकता है, दिन में हो सकता है, हफ्तों में, महीनों, वर्षों में हो सकता है। जिस तरह से कि हम जब उदाहरण या फिर जनसंख्या की वृद्धि की अंतर ज्ञात करना होता है तो उस समय हम देखते हैं कि 11 में कितना था और उसके पहले 10 में कितना था, 2001 में कितना था। इस तरह से हम क्या करते हैं, वो समय के आधार पे हम उसको अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ वार्षिक बिक्री का विवरण है, 95 में इतना हुआ था, 96 में, 97 में, ये सारे जो हैं आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, समय के आधार पर ये आंकड़े हमें मालूम होते हैं, हम वृद्धि घाटे में चल रहे हैं या लाभ में हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक में जैसे हमने आपको बताया था, जैसे गांव हो सकता है, खंड हो सकता है, जिला, राज्य, देश, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि निर्यात की जो भागीदारी है, US की कितनी है, जर्मनी की कितनी है, UK, जापान, रूस, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो राज्य है या ये देश हैं, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय देश दोनों ही शामिल इसमें। हम बच्चों ये जो हमने देखा कि वर्गीकरण जो हमने देखा, तो ये सारणियन जो है वर्गीकरण में हमने देखा था कि सारणी और वर्गीकरण दोनों ही प्राय एक समान है। थोड़ा सा अंतर होगा कि इसमें हम ये देश का देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ये आपको एक बार और देखना है और उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से वर्गीकृत और कर सकते हैं।